नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, 31 जुलाई की बजाय 30 सितंबर तक भर सकते हैं आईटीआर। नागपुर में पेट्रोल 104 के करीब, डीजल 94 रुपए से ऊपर। एक बार फिर से सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच चुके हैं, जिसके चलते आम लोगों को महंगाई का जबरदस्त झटका लग रहा है। चिल्लर बाजार में सब्जियों में भिंडी, टिंडा, फूलगोभी 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंचकर लोगों को टेंशन देने का काम कर रही है। तो वही बैंगन भी 40 से 50 रुपए प्रति किलो चल रहा है। करेला, शिमला, चौलाई फली, गवार फली, हरा धनिया सहित अन्य सब्जियां 60 रुपए प्रति किलो की बताई जा रही है। सब्जियों के भाव सुर्ख होने से अब यह थाली से नदारद होने लगी है। गर्मी के सीजन में राहत वाली सब्जियां बारिश का सीजन आते ही भाव खाने लगी है। लोकल का माल खत्म होने और बाहर से आने के चलते सब्जियों के भाव में पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। जो आभूषण विक्रेता बैंकों से लिया कर्ज समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, वे अब गोल्ड लोन का कुछ हिस्सा सोने के रूप में लौटा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे आभूषण निर्यातकों और घरेलू स्वर्ण आभूषण विनिर्मिताओं को कुछ हिस्सा सोने के रूप में लौटाने का विकल्प उपलब्ध कराए। जेमएल का भुगतान भारतीय रुपए में उधार लिए गए सोने के मूल्य के बराबर राशि पर किया जाता है। रिजर्व बैंक ने अब इन नियमों की समीक्षा की है। रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बैंकों को गोल्ड लोन का कुछ हिस्सा 1 किलो अथवा इससे अधिक सोने के रूप में लौटाने का विकल्प लेनदारों को देना चाहिए। रेलवे में अब माल ढुलाई कराने के बाद उसे रद्द करना भारी पड़ेगा। अब इसके लिए रेलवे हर्जाना वसूलेगा। रेलवे में माल ढुलाई में फर्जीवाड़े पर रेलवे विजिलेंस ने शिकंजा कस लिया है। अब बुकिंग होने के बाद रेल साइडिंग यानी जहां माल गाड़ियों में लोडिंग व अनलोडिंग होती है, वहां पर सामान रखने के बाद बुकिंग को रद्द नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही यदि 15 दिन तक भी रेलवे लोडिंग नहीं कर पाती तो बुकिंग को रद्द किया जा सकता है। इससे पहले बुकिंग रद्द करने पर कारोबारी को जुर्माने के तौर पर मोटी राशि रेलवे को देनी होगी। 24 घंटे के 72,000 रुपए हर्जाना देना होगा, जो बढ़ता ही जाएगा। ऐसे मामले सामने आए हैं कि रेल साइडिंग पर माल लाने के बाद ट्रेन के बजाय अन्य ट्रांसपोर्ट से माल को भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। पेट्रोल डीजल के दाम में राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। गुरुवार को फिर दाम बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। पेट्रोल 26 पैसे तक और डीजल 7 पैसे तक महंगा हुआ है। इसके साथ ही नागपुर में पेट्रोल 103.71 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल की कीमत 7 पैसे बढ़कर 94.18 रुपए प्रति लीटर हो गई। शहर में जून में अब तक पेट्रोल का मूल्य 3.38 रुपए और डीजल की कीमत 3.15 रुपए पड़ चुकी है। इससे पहले मई में पेट्रोल 2.31 रुपए और डीजल 2.93 रुपए महंगा हुआ था। पेट्रोल डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और इसके आधार पर हर दिन सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू की जाती है। इनकम टैक्स विभाग ने कोरोना महामारी की वजह से वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए आईटीआर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। इससे न केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि मौजूदा माहौल में परेशानियों से जूझ रहे कारोबारियों के ऊपर से भी कंप्लायंस का बोझ कम होगा। इनकम टैक्स नियम के मुताबिक इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो मार्च 31 को खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए आईटीआर 1 या आईटीआर 4 दाखिल करते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक ये करना होता है। कंपनियों और फर्म जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी होता है, उनके लिए ये डेडलाइन 31 अक्टूबर होती है। लेकिन टैक्स पेयर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये तारीखें अब आगे बढ़ गई है। इंडिविजुअल्स अब वित्त वर्ष 2020 और 21 में कमाई गई इनकम के लिए टैक्स रिटर्न 31 जुलाई की बजाय 30 सितंबर तक भर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने कंपनियों के लिए रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, 31 जुलाई की बजाय 30 सितंबर तक भर सकते हैं आईटीआर। नागपुर में पेट्रोल 104 के करीब, डीजल 94 रुपए से ऊपर। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।